हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल स्टडी बाय टेक में। आज हम दिल्ली सल्तनत के लोधी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने अलाउद्दीन आराम शाह को हराकर 1451 में की। इससे पहले जब वह खिलजी राजवंश में वह सूबेदार था सरहिंद और लाहौर का। गद्दी पर बैठाने में इसके वजीर ने भी इस ये जो बहलोल लोधी है इसके वजीर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसने गद्दी पर बैठते ही बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की। ये अफगानी वंश का था। अब हम बहलोल लोधी से आगे बढ़कर सिकंदर शाह लोधी पर चलते हैं। सिकंदर शाह लोधी 1489 में गद्दी पर बैठा दिल्ली सल्तनत के। तो बहलोल लोधी था उसके मरने से पहले एक इच्छा थी कि उसका तीसरा पुत्र यानी निजाम खां गद्दी पर बैठे, लेकिन कुछ सरदार नहीं चाहते थे कि निजाम खां गद्दी पर बैठे क्योंकि निजाम खां की माँ सुनार थी और कुछ सरदारों की सहायता से निजाम खां फिर भी गद्दी पर बैठ गया और इसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। सिकंदर शाह एक उदार शासक था। वह गरीबों को खाना खिलाता था और अच्छा न्याय व्यवस्था करता था और कानून की देखभाल भी करता था। सिकंदर शाह ने 1506 में आगरा की स्थापना की क्योंकि जो सरदार थे वो राजस्थान जो विरोधी सरदार थे जो इसका विरोध करते थे वो राजस्थान में थे और ये यमुना तट पर इसने आगरा की स्थापना इसी कारण से की थी ताकि वे उनका सामना डटकर कर सके और बाद में इसने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। इस ये कविताएं लिखता था गुलरुखी नाम से। इसे न्याय का बड़ा शौक था। ये न्याय भी करता था अच्छा खासा। इसे संगीत का बड़ा शौक था। इसने आयुर्वेद के ग्रंथ को फारसी अनुवाद करवाया जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी नाम रखा। इसने व्यापार को भी बढ़ावा दिया। इसने माप का एक नया व्यवस्था स्थापित की जिसे सिकंदरे गजरी के नाम से जाना जाता है। सिकंदरे गजरी जो माप के तोल के रूप में काम में आता था। ठीक है, ये बहुत ही सहनशील वाला शासक था। ठीक है, और दोस्तों बहलोल लोधी से संबंधित एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बहलोल लोधी ने किस शासक कौन से सिक्के चलाए थे। तो बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के चलाए थे जो मुगल काल तक चलते रहे जब तक अकबर नहीं आया था। तब तक विनिमय के तौर पर व्यापार में उसके सिक्कों का ही बोलबाला था। चलिए अब अगले चलते हैं इब्राहिम लोधी। ये 1517 से 1526 तक गद्दी पे बैठा। इसने घोटला का युद्ध लड़ा महाराणा सांगा के साथ और पराजित हुआ। इसका
चाचा था दौलत खान लोदी, उसने इसको धोखा दिया और बाबर को दिल्ली यानी भारत में इनवाइट मीन्स उसको निमंत्रण दिया। और जब भारत पर जब ये आए तो पानीपत की 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई जिसमें ये इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। और ये मतलब इसे मतलब ये थोड़ा कट्टर शासक था। इसकी पराजय का कारण ये था कि इसके पास अत्याधुनिक तकनीक नहीं थी, जैसे बाबर के पास तोप थी, लेकिन इसके पास अत्याधुनिक तकनीक नहीं थी। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये अंतिम शासक कौन था। इब्राहिम लोदी था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ समरीज हैं, ये आती आती एग्जाम में आप इनमें से तैयारी कीजिए, आपको आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ। तो ये तीन शासक बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।